इलेक्शन लग रही है, हम लोग इसको नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। आप देखेंगे ये हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन कर रहे हैं। सो ये बड़ा एरिया था, हमने इसलिए इसको चूज़ किया कि यहाँ पे वी कैन आई मीन सी द अरेंजमेंट्स ऑफ द चेयर्स। सो जो भी गवर्नमेंट की SOP है उसको फॉलो करते हुए हम वैक्सीन करा रहे हैं यहाँ पे। जितने भी हमारे शॉपकीपर्स हैं, बेसिकली आज वैक्सीन शॉपकीपर्स की हो रही है, वेदर दे आर मेल और फीमेल। सी अभी हमारी प्रायोरिटी है शॉपकीपर्स और उनके साथ काम करने वाले दो लोग, ताकि वो लोग सेफ हो जाएं। उसके बाद जो सेकेंड फेज रहेगा वो रहेगा बाकी लोगों का, जैसे कश्मीर में बोला कि डोर टू डोर हो रही है, तो ऐसे यहाँ पर भी प्लान होगा, डोर टू डोर भी होगी। सो प्लानिंग हो रही है गवर्नमेंट की। पेशेंट लोगों को बड़ा पेशेंस चाहिए टू डील विद दिस महामारी, एंड दे शुड फॉलो द SOP। वैक्सीन सबको लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि वैक्सीन नहीं लगेगी, वैक्सीन सबको लगेगी, एक एक जान को लगेगी। जैसे कि गवर्नमेंट द्वारा अनलॉक का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया, तो उसमें देखा जाए कि लोग काफ़ी भीड़ भड़क के इलाकों में जा रहे हैं, तो उनको लोगों को क्या आप देंगे? देखिए मैं आपको इतना कहूँ कि अभी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लोगों को ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने हैं। SOP जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जारी करती है उसको फॉलो करना है। सबसे बड़ी बात है आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और सैनिटाइज करना है। नहीं नहीं, जो लोग ये सोचते हैं कि वैक्सीन लगा ली और हम बच गए, वो बिल्कुल गलत है। वैक्सीन लगाने के बाद भी उनको मास्क पहनना है, जब तक कि हमें कंप्लीट एक भी कोरोना वायरस इस इंडिया से चला नहीं जाता, तब तक दे नीड्स टू टेक प्रिकॉशंस। देखिए फीवर होता है, इट्स द रिएक्शन ऑफ द बॉडी, सबको नहीं होता, जिनको होता है दे कैन टेक सिंपल पैरासिटामोल, ये खा सकते हैं एक टैबलेट, बाकी दे शुड टेक अ नॉर्मल डाइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल डाइट खाएं, अच्छा खाना खाएं, और बेस्ट वे है कि टाइम से खाना खाएं, और दे शुड बी अवे फ्रॉम द स्ट्रेस जो अननेसेसरली आज के दौर में मुझे लगता है हमें घेरे बैठा हुआ है। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।